अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माश की दाल है, उबाल ली है मैंने, डेढ़ पा दाल है। ये आधा चम्मच ज़ीरे का, आधा दादरी मिर्च का, एक चम्मच पिसी हुई मिर्च का, आधा चम्मच है हल्दी का, आधा चम्मच नमक का। ये तीन मैंने बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं, ठीक है। लहसुन अदरक है, उधर आप आ जाए। मैंने ना प्याज ब्राउन कर लिया उधर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। ये अच्छी तरह भूनते हैं इसे, 5 मिनट भूनने के बाद ना फिर इसमें टमाटर डाल के भूनते हैं, फिर मसाले डालते हैं। बहुत मज़े की दाल बनती है माँच की, बाजार जैसी जैसे होटलों में बनती है। क्योंकि टमाटरों की वजह से ना खट्टी भी हो जाएगी और मसाला भी बन जाएगा। ये मैं अच्छी तरह ना इसे भून रही हूँ, खुशबू भी होने लग गई इसमें। 5 मिनट भूनने के बाद ना फिर टमाटर डाल देती हूँ इसमें। और तकरीबन 5 मिनट हो गए इसे मैंने ना दूध डाल। अब मैंने इसे ना अच्छी तरह ना प्याज टमाटरों को और प्याजों को, एक प्याज मैंने लिया था, अब मैं भूनती हूँ, फिर 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मसाला डाल दिया। अच्छा जी, अब ना इसे ना अच्छी तरह भूनते हैं मसाला डाल के 5 मिनट। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा ये मसाला बन गया। आप बनाएं इंशाल्लाह, बाजार जैसी दाल बनेगी, बहुत मज़े की। और मैंने इसमें ना थोड़ी सी ना काली मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने साबुत, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए भून दिया अभी अच्छी तरह। ये देखिए मसाला हो गया हमारा तैयार। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले को। ये मैंने दाल उबाली थी वो भी डाल दी। मैंने अच्छी तरह ना इसमें मिक्स करते हुए भूनती हूँ इसे दाल को 5 मिनट। आज हम पका रहे हैं भुनी हुई दाल माश की, होटलों जैसी। पांच मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, जो कसर है ना इसकी वो हो जाएगी। 5 मिनट में पानी डाल, केला केला दाना खिला खिला सकते। हाँ जी, ये हमने भून ली। ये देखें घी भी आ गया इसमें अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी डाल के ना, बस इतना सा पानी डाल के ना पकने के लिए अच्छी तरह मैं हिला देती हूँ इसे। अब पक भी जाएगी, अब तो दाल गली भी है हमारी, तो फिर जो कसर है वो भी हो जाएगी। फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह घी भी आ गया इसके ऊपर। हाँ जी, ये देखें अब मैंने धनिया भी डाल दिया। माशाल्लाह दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, घी भी आ गया इसके ऊपर। ये माश की दाल हमने पकाई है जो, ये देखें अब दाल माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। धनिया भी डाल दिया मैंने, बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें। दाल तैयार हो गई है, आप देख लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है दाल। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।